देश की सबसे पुरानी नगर परिषदों में शुमार नाहन नगर परिषद की हाउस की बैठक जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित की गई, जिसमें शहर के सौंदर्यीकरण सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद की अध्यक्षा श्यामा पुंडीर ने। मीडिया से बात करते हुए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया कि हाउस की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि शहर में लंबित हाउस टैक्स की रिकवरी के लिए नगर परिषद संबंधित व्यक्तियों को 10% छूट देगी। ये छूट केवल एक महीने के लिए दी गई है, लिहाजा संबंधित लोग जल्द से जल्द अपना लंबित हाउस टैक्स जमा करवाएं। शहर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि शहर में आपराधिक और खुले में कूड़ा डालने वाले लोगों पर नजर रखकर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जा सके। बैठक में नगर परिषद के उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता सहित भाजपा और कांग्रेस समर्थित पार्षद व अधिकारी मौजूद रहे। आज हमारी हाउस की जनरल बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है वो ये लिया गया कि जो भी हमारे हाउस टैक्स के जो पेंडिंग किराएदार हैं उनको, हाउस टैक्स जो हमारे पेंडिंग है उसमें 10% की रिबेट कमेटी की तरफ से दी जाएगी, और उनसे आह्वान किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी अपना हाउस टैक्स सबमिट कराएँ जो भी पेंडिंग है उनका। क्योंकि हमारे कुछ किराएदार हैं वो कुछ हमारे जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं जिनका 2001 से पेंडिंग है, तो उनको 10% की रिबेट अगले एक महीने के लिए दी जा रही है। अगर वो विदिन एक महीने अपना हाउस टैक्स जमा कराते हैं तो उनको उसमें 10% की रिबेट कमेटी की तरफ से दी जाएगी। इसके साथ साथ रानीताल का जो हमारा है वो हमारे को मोहम्मद साबिर की एप्लीकेशन मिली थी, जिसको हमने 1.5 लाख रुपये सालाना के तौर पर एक साल के लिए अभी दिया है, जिसको अगर उनका काम सेटिस्फैक्ट्री होता है तो 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसमें वो उसका रानीताल की साफ़ सफाई, उसका रख रखाव, उसकी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उससे होगा, वो सारी चीज़ों का उसका होलिस्टिक व्यू करेंगे। इसके साथ साथ शहर में सीसीटीवी लगाने के लिए भी एक एप्लीकेशन आई है, जिसमें फंडिंग के अरेंजमेंट के लिए गवर्नमेंट को लिखा जाएगा ताकि पूरे शहर में जो है सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएं, जिससे कि निगरानी बनी रहे और जो क्राइम्स हैं और जो कूड़े डालने वाले हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ शहर में जो भी हमारे गड्ढे वगैरह हैं उसको भरने के लिए लेबर रेट हमारा जो ऑलरेडी हो चुका है उसके थ्रू उनको रिपेयर किए जाएंगे, और हमारी जो ढाबों की पार्किंग है जिसका टेंडर पीछे नहीं हो पाया था उसका 2009 के हिसाब से शेड्यूल बना है, तो आगे भी इसी शेड्यूल के हिसाब से इसका टेंडर लगा के इसको अप्रूव किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास MLA निधि के लगभग 25 लाख रुपए आए थे, उसके टेंडर्स लगा दिए गए हैं, और उसमें से हमारे 4 काम जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं और 22 काम उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं, उनके टेंडर लगा दिए गए हैं और हाउस में पास हो गए हैं। अब इनको जैसे ही अप्रूव अवार्ड लेटर बनाकर अप्रूव कर दिया जाएगा और विभिन्न शहरों पर विभिन्न विकासात्मक कार्य शुरू किए जाएंगे। सिटी हार्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेहरे बड़सर जिला हमीरपुर का एकमात्र हृदय रोग निवारण केंद्र आपकी सेवा में 24 घंटे कार्यरत है। यहाँ होता है हृदय रोग संबंधित हर बीमारी का इलाज। यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम आपके हृदय का बेहतर इलाज एवं देखभाल करने को हमेशा तैयार है। यहाँ हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड भी मान्य है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं भी यहाँ कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं। हृदय संबंधी किसी भी इमरजेंसी के लिए कृपया संपर्क करें 01972 22 22। आपके हृदय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। हमारा पता है भकरेड़ी, तहसील बड़सर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।